हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही प्रकाश राज ने एक स्पीच दिया था जिसके बाद से ये काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है, जिसमें उन्होंने बॉयकॉट गैंग के बारे में बात की और कश्मीर फाइल को नॉनसेंस फिल्म बताई। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो वीडियो पहले देख लीजिए। Wanted to ban Pathan, it's going 700 crores. These idiots, these bigots who were wanted to ban Pathan did not run Modi's film for 30 crores. They are just, you know, barking. They don't bite. Don't worry. Sound pollution. Kashmir Files is one of the nonsense films, but we know who produced it. A shameless international jury spit on them. And they're still shameless. Other fellow is, the director is still telling, why am I not getting Oscar? He'll not even get a Bhaskar, I'll tell you. Because there is a sensitive media outside there. Here you can do a propaganda film. I know, according to my sources, they have invested around 2,000 crores only to make films like this. But you can't fool the people all the time. जिसका रिप्लाई में विवेक अग्निहोत्री जी कहते हैं, एक छोटी सी लोगों की फिल्म द कश्मीर फाइल ने अर्बन नक्सल्स लोगों की नींद इस कदर उड़ा दी है कि एक साल के बाद भी उनकी पीढ़ी परेशान है, जिसे भौंकने वाले कुत्ते कहते हैं। और आगे लिखते हैं, मिस्टर अंधकार राज, मैं भास्कर कैसे पास सकता हूँ, ये सब तो हमेशा के लिए आपके ही हैं। सो गाइज, इस पूरे कंट्रोवर्सी में आपका क्या थॉट है? क्या प्रकाश राज को इस तरह के बातें नहीं बोलना चाहिए, या जो भी बोले हैं सब सच ही बोले हैं? तो क्या आपको भी लगता है कि द कश्मीर फाइल एक नॉनसेंस मूवी है या और एक मास्टरपीस मूवी है? जो भी आपका थॉट है लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।